गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी आज डेट है दो अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी और लगाते हैं एक टेस्ट करंट अफेयर्स का यू पी एस सी सिविल सर्विसज प्रॉब्लम्स के लिए टेस्ट नंबर है फोर एटी सेवन तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन पर आ जाइए पहला ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाल ही में चर्चा में रहा क्या चर्चा में रहा मार्च दो हज़ार बीस पर रोबर मिशन किसने शुरू किया है मार्च दो हज़ार बीस पर रोबर मिशन किसने शुरू किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी कैनेडियन स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो या फिर नासा और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने मिलकर इसका आंसर यूरोपियन स्पेस एजेंसी नहीं है कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी नहीं है नासा और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी और इसरो भी नहीं है तो देखिए हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और यूएलए मतलब यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने मिलकर एटलस वी फाइव रॉकेट के साथ साथ मार्च 2022 हजार रोवर रोबर मिशन लॉन्च किया है यह है जो मिशन है वो फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से शुरू किया गया मार्च 2022 हजार रोवर रोबर नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा है जो लाल ग्रह के रोबोट एक्सप्लोरेशन का दीर्घकालिक प्रयास है किसको बोलते हैं लाल ग्रह मंगल को अब देखिए नासा ने प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए उनके नमूनों को एकत्र करके पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए जो है मार्स 2020 हजार बीस परसेवरेंस रोवर मिशन की शुरुआत की है क्वेश्चन नंबर टू पर आ जाइए छियासठवा स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर्यावरण वन और जलवायु प्रवर्तन मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर जनजातीय या आदिवासी मामलों के मंत्रालय छियासठवा स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है जनजातीय मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल अफेयर अफेयर्स तो देखिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है वो आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों की सशक्तिकरण परियोजनाओं के लिए प्रदान किया गया है यह जो प्रोजेक्ट है वो डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तो किसको मिला है जनजातीय या फिर आदिवासी मामलों के मंत्रालय को दिया गया छियासठवा स्कॉच गोल्ड अवार्ड क्वेश्चन नंबर थ्री पर जाइए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संदर्भ में कौन सा गलत है देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है नॉन स्ट्रेचरी बॉडी है यह है खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम उन्नीस के तहत गठित किया गया है और यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष दो में शहद मिशन की शुरुआत की थी बिल्कुल इसने दो में तीन साल पहले शहद मिशन की शुरुआत की थी एमएसएमई के अंतर्गत कार्य करता है ये और खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम उन्नीस के तहत गठित है लेकिन ये एक स्ट्रैचरी बॉडी है गैर संवैधानिक सांविधिक नहीं है मतलब ये सांविधिक निकाय है गैर सांविधिक नहीं है गलत है पहला वाला स्टेटमेंट तो देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम उन्नीस के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है स्ट्रेचरी बॉडी है करेक्ट नहीं है पहला वाला स्टेटमेंट बाकी यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एम के अंतर्गत कार्य करने वाली प्रमुख संस्थान है और इस आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यकता हो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना करना उनके विकास के लिए योजना बनाना तथा उनका प्रचार प्रसार करना और उनमें सहायता प्रदान करना है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष दो हजार सत्रह में शहद मिशन की शुरुआत की थी ताकि इसके तहत मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया जा सके क्वेश्चन नंबर फोर पर आ जाइए हाल ही में चर्चा में रहा है क्या चर्चा में रहा है क्या चर्चा में रहा है डिडायमोकार्पस सिनो इंडिकस डिडाइमोकार्पस सिनो इंडिकस है क्या ये समुद्र में बिखरे तेल को खाने वाला कोई बैक्टीरिया है या फिर नम चट्टानों पर उगने वाले पौधे हैं एक कवक जनित बीमारी है प्लास्टिक कचरे से उत्पन्न हो रहा त्वचा तो संबंधी रोग है क्या ये डिडाए मोकारपस सिनो इंडिकस एक नम चट्टान पर उगने वाला पौधा है पादप है प्लांट है ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर तो देखिए डिडाए मोकार्पस अगर प्रजाति की बात करें तो यह प्रजाति अक्सर नम चट्टानों और पत्थरों पर उगती है यह प्रजाति दक्षिण एशिया के वर्षा बनों में पाई जाती है और इसकी लगभग भारत में 25 प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें से अधिकतर पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है और हाल ही में भारतीय एवं चीनी वैज्ञानिकों की एक टीम ने मिलकर पूर्वोत्तर भारत में चीन के युन्नान प्रांत में डिडाय मोकारपस सीनो इंडिकस की खोज की है और इस प्रजाति के जीनस से संबंधित एक दूसरी प्रजाति डिडाए मोकार्पस भूटानिक्स को फरवरी 2020 में सिक्किम में पहली बार खोजा गया था जो पहले केवल भूटान में ही पाई जाती थी और इसे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की एक टीम ने खोजा था बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर फाइव पर आ जाइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर पहला है विकल्प मुद्रा विनिमय मुद्रा विनिमय एक प्रकार का विदेशी विनिमय समझौता होता है जो दो पक्षों के बीच एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय के लिए किया जाता है मुद्रा विनिमय का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार और विनिमय दर में स्थिरता तथा अन्य जोखिम से बचना होता है ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं एक और डी है हाल ही में बांग्लादेश ने आरबीआई के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं देखिए करेक्ट है पहला करेक्ट है दूसरा बेसिक तो करेक्ट है दोनों के दोनों लेकिन ये करंट गलत हो गया क्योंकि हाल ही में श्रीलंका ने बांग्लादेश ने नहीं श्रीलंका ने आर के साथ चार मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो हाल ही में श्रीलंका ने भारतीय रिजर्व बैंक आर के साथ चार मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ना कि बांग्लादेश ने सामान्यतः किसी देश का केंद्रीय बैंक और वहां की सरकार देश में विदेशी मुद्रा की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा विनिमय समझौते में संलग्न होते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आ जाइए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है देखिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में से एक निश्चित समय अवधि में विकास दर को प्रदर्शित करता है इसका संकलन मासिक आधार पर मासिक आधार पर या वार्षिक आधार पर इसका संकलन मासिक आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है और हाल ही में लगातार चौथे माह अर्थात जून 2020 तक अनुबंधित आठ कोर उद्योग कोयला कच्चा तेल प्राकृतिक गैस रिफाइनरी उत्पाद उर्वरक इस्पात सीमेंट और बिजली के उत्पादन में पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है देखिए करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट दूसरा वाला भी करेक्ट है तो इसने इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि नहीं बल्कि कमी दर्ज की गई है तो देखिए हाल ही में लगातार चौथे माह अर्थात जून दो तक अनुबंधित आठ कोर उद्योगों कोयला कच्चे तेल प्राकृतिक गैस रिफाइनरी उत्पाद उर्वरक इस्पात सीमेंट और बिजली के उत्पादन में पंद्रह प्रतिशत की कमी जो है वो दर्ज की गई है कमी दर्ज की गई है वृद्धि नहीं अगर आठ कोर उद्योग को, को घटते भारांश के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले मतलब एक तरह से अवरोही क्रम में देखा जाए तो विद्युत आएगा उसके बाद इस्पात कोयला कच्चा तेल प्राकृतिक गैस सीमेंट और उर्वरक क्वेश्चन नंबर सेवन पर आ जाइए राजकोषीय घाटे के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पहला स्टेटमेंट है सरकार की कुल आय और उसके कुल खर्चे के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं राजकोषीय घाटे के माध्यम से यह पता चलता है कि सरकार को अपने काम काज के लिए कितने उधार की ज़रूरत है राजकोषीय घाटे की भरपाई केवल आर से उधार लेकर ही की जा सकती है और राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत खर्चे में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है ये केवल वर्ड ना बड़ा दुखदाई है इसलिए करेक्ट है पहला करेक्ट है पहला बी भी करेक्ट है डी भी करेक्ट ये गलत है ऐसा नहीं है केवल आर से उधार लेकर ये पूरा करते हैं हम छोटे छोटे बॉन्ड बेच कर भी कर सकते हैं इसको तो देखिए सरकार की कुल आय और उसके खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं राजकोषीय घाटे के माध्यम से ही यह पता चलता है कि सरकार को अपने कामकाज के लिए कितने उधार की ज़रूरत है कुल राजस्व की गणना करते समय ऋण को शामिल नहीं किया जाता याद रखिएगा और राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत खर्च में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है राजकोषीय घाटे की भरपाई आमतौर पर दो या दो से राजकोषीय घाटे की भरपाई आमतौर पर या तो देश के केंद्रीय बैंक मतलब भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर की जा सकती है या फिर इसके लिए छोटी तथा लंबी अवधि हेतु बॉन्ड जारी करके जो है फंड जुटाया जाता है क्वेश्चन नंबर एट पर आ जाइए जीएसटी कार्यान्वयन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है देखिए एक सौ एक व संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था दो हजार सोलह में इसमें हुआ क्या एक जुलाई दो हज़ार सत्रह से इसके तहत जीएसटी व्यवस्था को लागू कर दिया गया जीएसटी कार्यान्वयन से कर राजस्व में कमी होने पर केंद्र सरकार द्वारा पाँच वर्ष के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान का वायदा किया गया है और जीएसटी व्यवस्था के अनुच्छुक कई राज्यों ने इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का विरोध किया था राजकोषीय घाटा आमतौर तो पर राजस्व में कमी या पूंजीगत खर्च में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है ये स्टेटमेंट तो प्रीवियस इससे पहले वाले क्वेश्चन का ब्लंडर हो गया यहाँ पर चलिए थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि डी बी कोई ऑप्शन में था वन टू ए बी सी मानिए खाली तो क्या होगा इसका आंसर इसमें क्योंकि इनमें से एक पक्का गलत है कौन सा गलत है वो कौन सा गलत है देखिए ए करेक्ट है बी करेक्ट है ये सी वाला गलत है सी इसलिए गलत है क्योंकि जीएसटी कार्यान्वयन जीएसटी कार्यान्वयन से कर राजस्व में कमी होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा पाँच वर्ष के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान का वायदा किया गया है इसीलिए इसीलिए जी जी के अनुच्छिक अनिच्छुक अनिच्छुक कई राज्यों ने इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को अपनाया विरोध नहीं किया इसका हस्ताक्षर किए इस पर तो देखिए एक सौ में संविधान संशोधन अधिनियम दो हज़ार सोलह के लागू होने के बाद एक जुलाई दो हज़ार सत्रह से जी एस टी व्यवस्था को लागू कर दिया गया जिसमें बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य अप्रत्यक्ष कर एकल जी एस टी में शामिल कर दिए गए अब देखिए जी एस टी कार्यान्वयन से कर राजस्व में कमी होने पर केंद्र सरकार द्वारा पाँच वर्ष के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान का वायदा किया गया है इसी वायदे को लेकर इसी कारण जीएसटी व्यवस्था के लिए अनिच्छुक कई राज्यों ने भी इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए थे विरोध नहीं किया था इसका गलत है सीस लें क्वेश्चन नंबर नाइन पर आ जाइए डब्ल्यू की विवाद निपटान प्रणाली के संदर्भ में कौन सा सही है देखिए डब्लू की विवाद निपटान प्रणाली में किसी भी व्यापार विवाद को आरंभ में संबंधित सदस्य देशों के बीच परामर्श के माध्यम से निपटाने की कोशिश की जाती है यदि परामर्श के माध्यम से विवाद का निपटान नहीं होता है तो मामला एक विवाद पैनल मतलब डिस्प्यूट पैनल के पास जाता है विवाद पैनल का निर्णय अंतिम होता है और उसके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती देखिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट पहला वाला करेक्ट है विवाद निपटान जो पैनल है डिस्प्यूट पैनल इसके निर्णय के खिलाफ भी विरुद्ध भी अपील की जा सकती है तो देखिए डब्ल्यू की विवाद निपटान प्रणाली में किसी भी व्यापार विवाद को आरंभ में संबंधित सदस्य देशों के बीच परामर्श के माध्यम से निपटाने की कोशिश की जाती है यदि यह है उपाय सफल नहीं होता तो मामला एक विवाद पैनल मतलब डिस्पोर्ट पैनल के पास जाता है विवाद पैनल का निर्णय अंतिम होता है लेकिन उसके निर्णय के खिलाफ अपील जो है अपीलीय प्राधिकरण अपीलिएट बॉडी ए बी के समक्ष की जा सकती है लेकिन मुद्दा यह है कि विवाद निपटान पैनल के गठन के बाद भी अंतिम निर्णय आने में कम से कम एक से डेढ़ साल का समय लग सकता है हालांकि मौजूदा महामारी में ये समय और भी बढ़ जाएगा क्वेश्चन नंबर दस पर आ जाइए सोना गोल्ड की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है पहला स्टेटमेंट है वैश्विक स्तर पर शेयर बाजार रियल इस्टेट और बॉन्ड आदि के मूल्य में गिरावट निवेशक को सोने के निवेश की ओर उन्मुख करती है निवेश की ओर उन्मुख करती है बिल्कुल कटती है पचपन हज़ार रुपये पर तोला चल रहा है इस समय सोना करंट स्थिति ये पहुंच गई है मतलब दस ग्राम के पचपन हज़ार रुपये देने पड़ेंगे यानी अगर आपने किसी के पास होगी कोई रिंग विंग वो वो ख़रीदी होगी आपने एक तोले की होगी तो कभी आपने ली हो वो तेईस हज़ार या पच्चीस हज़ार की या छब्बीस हज़ार की तो आज उसकी कीमत है कितनी पचपन हज़ार अगर उसका जो बनाई बनाई निकाल दी जाए मेकिंग कॉस्ट निकाल दी जाए तो पचास हज़ार है कम से कम तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सोना अत्यधिक तरल दूसरा स्टेटमेंट है पढ़ा तो है नहीं दूसरा वाला सोना अत्यधिक तरल मतलब हाईली लिक्विड होता है और उसमें नुकसान का जोखिम काफ़ी कम है बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों सही हो गए देखिए भारत में शादी जैसे सामाजिक समारोह में समारोह का जो है एक अभिन्न अंग माना जाने वाला सोना यानी गोल्ड पारंपरिक रूप से मुद्रा स्फीति के विरुद्ध बचाव के रूप में उपयोग किया जाता रहा है और अनिश्चितता के दौरान इसे निवेशकों के लिए एक सुरक्षित मार्ग माना जाता है जब भी दुनिया भर के शेयर बाज़ार रियल इस्टेट बॉन्ड आदि के मूल्यों में गिरावट देखने को मिलती है तो निवेशक निवेश के लिए सोने का रुख करते हैं इसका मुख्य कारण है कि सोना अत्यधिक तरल होता है हाईली लिक्विड होता है और उसमें नुकसान का जोखिम काफ़ी कम होता है अत्यधिक तरल होने का अर्थ है कि सोने को इसकी कीमत में परिवर्तित किए बिना काफ़ी जल्दी बेचा और खरीदा जा सकता है तो दस प्रश्न थे इम्पॉर्टेंट अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा धन्यवाद